वैशाली के महुआ के मंगरू चौक पर उत्खनन विभाग द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान उत्खनन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के साथ ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक ने दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। उत्खनन विभाग के छापेमारी के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। बाद में उत्खनन विभाग के अधिकारियों ने इसकी सूचना महुआ पुलिस को दी। सूचना मिलते ही महुआ थाना अध्यक्ष कृष्णानंद झा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके से उत्खनन विभाग ने बालू लदे एक ट्रक और एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया है। इस संबंध में महुआ थाना में ट्रैक्टर और ट्रक के चालक के अलावे ट्रैक्टर और ट्रक के मालिक के खिलाफ भी महुआ थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं उत्खनन विभाग ने गंगा ब्रिज थाने क्षेत्र में छापेमारी कर एक ट्रक अवैध गिट्टी का ट्रक जब्त किया है। उत्खनन विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। ये लघु खनिज बालू या स्टोन चिप्स के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने ये महुआ थाना क्षेत्र के मंगरू चौक के पास एक ट्रैक्टर और एक ट्रक को जब्त किया गया है, जो दोनों बिना ई चालान के हैं। उनके ड्राइवर तथा मालिक के द्वारा थोड़ा बदसलूकी भी हम लोगों के साथ किया गया, तथा इन लोगों के विरुद्ध इस थाने में महुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।